अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम अहबाब अच्छे होंगे अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अच्छा रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपको आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, और जो बेरोजगार हो अल्लाह उन्हें साहिब रोजगार करे। नाजरीन आइए जान लीजिए सबसे पहले आज की अंग्रेजी तारीख 27 दिसंबर दिन मंगल 2022 ईस्वी। चांद की जो तारीख है नाजरीन वह आज 3 महीना जमादुल उखरा का हिजरी 1444 हिजरी, और आज ख्वाजा समर का जो है उर्स है। नाजरीन हमारे शहाब भाई को केरला के सरजमीन से पैदल मक्कतुल मुकर्रम हज पे निकले हुए मुबारक सफर पे चले हुए आज 209 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, पूरे हो ही चुके हैं लमसम। मोहतरम नाजरीन हमारे शहाब भाई के बारे में आप अपडेट जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि शहाब भाई इस वक्त कहाँ पहुँचे, शहाब भाई कहाँ हैं इस वक्त, शहाब भाई का पाकिस्तान सफर शुरू है या नहीं है, सारा कुछ आप हजरात को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो पे आप बने रहें, दिल से इस वीडियो को एक लाइक करें, एक कमेंट करें शहाब भाई के हक में, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके सफर को मुबारक पे मुबारक करे, आसान पे आसान करे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। नाजरीन मैं आपको बतला दूं शहाब भाई का लाइव लोकेशन अपडेट जो है अभी यही है जो हमें इंडियन यूट्यूबर्स के जरिए से या फिर जो उनके लोगों के जरिए से जो बातें मालूम हो रही है वो यही है कि अभी भी अनुमान के तौर पे कहा जा रहा है कि अभी भी आफिया किड्स स्कूल ही में 93 डेज से आराम फरमा है, कयाम पजीर है। अभी तक उनका सफर पाकिस्तान के लिए शुरू नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के वीजा में अभी विलंब है, अभी देरी है, इसलिए अभी भी शहाब भाई पाकिस्तान की तरफ सफर शुरू नहीं किए हैं। इसलिए कि आपने 1.5-2 हफ्ता पहले शाही इमाम पंजाब का वीडियो देखा था और उसमें जो शहाब भाई भी थे, जुनेद भाई भी थे, जिसमें शाही इमाम ने कहा था के शहाब भाई का सफर दिसंबर के लास्ट में शुरू होने वाला है। तो आप दुआ करें कि लास्ट दिसंबर चल रहा है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सफर का आगाज फरमा दे और जल्द से जल्द ये पहुंच जाए मक्कतुल मुकर्रमा 2023 का हज कर लें। यही है आज की इस वीडियो में, इंशाल्लाह फिर कल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।